मथुरा शहर में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही एक बार फिर शनिवार को उस वक्त सामने आई जब कृष्णानगर में विद्युत विभाग का जर्जर खंभा एक मकान के ऊपर गिर गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई। ऊर्जा मंत्री द्वारा अपने गृह नगर में विद्युत व्यवस्था को सबसे बेहतरीन बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते हादसे पर हादसे होते जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का एक नमूना शनिवार को उस वक्त देखने को मिला जब कृष्णा नगर में कांग्रेसी नेता मलिक अरोड़ा के दरवाजे के सामने लगा वर्षों पुराना जर्जर खंभा अचानक उनके घर पर गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई चोटिल नहीं हुआ। मकान स्वामी का ये कहना है कि गिरे हुए खंभे की शिकायत उन्होंने विभाग से करी थी, लेकिन हादसे के 4 घंटे बीत जाने के बाद भी विभाग की ओर से कोई भी कर्मचारी सहायता करने नहीं आया। बाद में इलाके के पार्षद के प्रयासों से खंभे को हटाया गया। अब देखना यह है कि विद्युत विभाग आखिर कब जाकर सचेत होगा और अपनी गलतियों से सबक लेगा, या फिर किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही विभाग की नींद खुलेगी। भैया, सुबह 6 बजे मैं अपने घर का ताला खोल रहा था, उस समय मैंने देखा कि सब तक पोल से लगा हुआ था। उसके 5-7 मिनट बाद ये पोल गिर गया है। मैं कह रहा हूँ ईश्वर की कृपा रही, कोई हादसा नहीं हुआ। और यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वो गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी, भगवान की कृपा रही, कुछ हादसा नहीं हुआ, बहुत अच्छा रहा। लेकिन ये बताओ शासन में ये हाल होगा तो आगे भाजपा शासन में हाल आगे क्या होगा। जब मेरे व्यक्ति के अभी तक 4 घंटे हुए गिरे हुए, मेरे ठीक करने नहीं आए। देखिए, एक बिजली और पानी और ये सब चीज़ें हमारी डेली नीड की आइटम शुरुआत होती है। सभी चीज़ें बिजली पानी और ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, शासन से जुड़ी हुई हैं, प्रशासन से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही मुझे संज्ञान में आया कि यहाँ पर एक पोल गिर गया है, मैं स्वयं चलकर यहाँ पर आया और इनसे हमारे आदरणीय अंकल जी हैं, इनसे हमने हालचाल जाना, सब कुछ कुशल क्षेम है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ सही रहे। और उसी समय हमने एक्शन महोदय कृष्णानगर बिजली घर को फ़ोन किया। उन्होंने कर्मचारी अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले आया था, कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, आ चुके हैं, और इसको जो भी होगा इसका निस्तारण करा के और आगे की जो इनकी जो लापरवाही हुई है इसके बारे में हम माननीय मंत्री जी को अवगत कराएंगे, और जो आगे ऐसे घटना ना हो ऐसा हम संज्ञान में लेकर कार्य कराएंगे।